हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फजल शेख। सो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बैकग्राउंड को कैसे ब्लैक कर सकते हैं और इससे आपकी ड्राइंग्स में कितना फ़र्क आएगा। सो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास दो पेंसिल्स हैं और एक स्टिक है। एक मैंने ये बैकग्राउंड ब्लैक किया है चारकोल से। अभी मैं इसे पूरा ब्लैक करूँगा तो इससे आपको चारकोल स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और चारकोल सॉफ्ट पेंसिल्स की। सो इस वीडियो को एंड तक का देखना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा इरेज कर लेना है बैकग्राउंड को पूरा, और बराबर से आपको इरेज करना है ताकि जो ग्रेफाइट आपका रहेगा पेपर पे वो ना रहे। सो गाइस, जो अभी सेकेंड थिंग ये है कि आपको पेंसिल से सबसे पहले बॉर्डर्स में करना है शेड करना है, ताकि जब आप स्टिक से पूरा ब्लैक करें तो वो आपके ड्राइंग्स पे ना आए और आपका प्रॉपरली हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें अभी मैंने पूरा यहाँ पे डस्ट निकाला है और ये स्टिक बहुत डस्ट प्रोड्यूस करती है, इस वजह से आपको यहाँ पे पेपर रखना पड़ेगा। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बॉर्डर्स में आपको पहले करना है, तो ये आप वैसे ही जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको पूरा वैसे आप पूरा बॉर्डर्स में सबसे पहले पेंसिल से करो। सो वैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स में कर रहा हूँ मैं। और अगर आप बिगिनर हो, आपने ये कभी पहले ट्राई नहीं किया है, तो आप एक इसको बहुत सेफली करना, वरना ये आपके अगर इसका अगर चारकोल आपके ड्राइंग पे आ गया तो वो पूरी ड्राइंग ख़राब कर देगा। बहुत सेफली आपको करना है, मैं भी इसे बहुत सेफली कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा बॉर्डर्स में पेंसिल से कर दिया है। अभी मैं हाफ ऑफ एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इतना एरिया में बेबी ब्लैक कर रहा हूँ। स्टिक से आप देख सकते हो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए स्टिक दे। और आप यहाँ पे आपका पूरा डस्ट दिख रहा होगा, सो आप ये डस्ट को आप फेंक भी सकते हो या तो आप कलेक्ट कर सकते हो कोई दूसरी जगह में। मैं इसे कलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बॉक्स है, मैं इसे हर बार कलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो, आप इसे ऐसा कलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, जो सेकंड थिंग है, अभी आपको यहाँ पे अपने दूसरे पार्ट ले लिया। अभी आपको इतना ही पार्ट को ऐसा करना है। ये पार्ट्स मैं आपको करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका डस्ट है वो निकलेगा, और जब अगर आप पूरा एक साथ कर दोगे और फिर डस्ट निकालने जाओगे तो वो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा, इसलिए आप थोड़े थोड़े पार्ट्स बना लो हाफ हाफ, फिर उसमें आप ब्लैक करो तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा ग्रेफाइट पे आ गया, अभी वो मिटेगा नहीं, अभी आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने बहुत केयरफुली करा बट इट्स ओके, ज़्यादा दिख नहीं रहा। अभी मैं भी इसे भी कलेक्ट कर देता हूँ। अब देख सकते हो ये बहुत डस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये दूसरा ऊपर का पार्ट भी कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मेरा टेबल भी बहुत गंदा हो गया है क्योंकि ये ब्लैक करने की वजह से। और अभी आप देख सकते हो फाइनल लुक। सो होप यू गाइज इन्जॉयड द वीडियो। यही था इसका एक फाइनल लुक, आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ये ट्राई करो, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने बताया आप वैसे ही करना। सो गाइज, बस अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को एंड देखकर देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।